ठीक है। सबसे पहले मॉलिक्यूल है जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स को मूव करेंगे। यानी अभी तक आप लोगों ने जो एलिमेंट्स को स्टैटिक रखा था, मॉलिक्यूल से हम क्या करने वाले, मूव करने वाले हैं। दूसरा, इमेज आप कैसे लगाओगे, सेकेंड क्लास में टेक्स्ट लगाना मैंने बताया था, थोड़ा सी एस एस मैंने बताया था, पर कहानी यहाँ पे रुकी हुई है कि इमेज हम कैसे लगाएं, ठीक है। और इमेज का मतलब स्टैटिक इमेज है, जो चलती फिरती नहीं, एक जगह स्थाई रहती है, कोई भी वेबसाइट में इमेज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इमेज कैसे लगाए। तीसरा, वीडियो कैसे लगाए, ठीक है। अगर यूट्यूब की तरह वेबसाइट आपको बनाने कहा जाए तो आप वीडियो कैसे लगाएंगे, यूट्यूब की तरह वीडियो लगेगी और चलेगी, दोनों आप कैसे लगाएंगे, ठीक है। और चौथा जो आपका है वो है आपका यहाँ पे ऑडियो, हाँ ऑडियो कैसे लगाए, ठीक है। तो इन चारों से हम लोग क्या करें, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप या इन चारों ऑप्शंस में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वेबसाइट पर आप ओपन करते हैं तो उन वेबसाइट में सबसे ज्यादा आपको इमेज लगे हुए दिखते हैं, तो ऐसी कोई वेबसाइट नहीं जिसमें इमेज होता ही नहीं है, तो इसमें इमेज सबसे ज्यादा रैंक वन करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्किंग से, यानी एलिमेंट्स को मूव कराने के वजह से स्टार्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो मार्किंग का डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, या किसी लाइन या पैराग्राफ को मूव करता है, इंग्लिश में कोई है इट मूव्स एनी लाइन ऑफ पैराग्राफ, या किसी लाइन या पैराग्राफ को मूव करता है, मूव्स एनी लाइन ऑफ पैराग्राफ। तो अगर आपको कोई लाइन या पैराग्राफ मूव करना है तो आप उसके लिए इसका यूज करेंगे, मार्किंग का मूव, ठीक है। मूव करना इस तरीके से, जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट में राइट साइड से एक लाइन आती है और वो लेफ्ट साइड में चलती रहती है, जैसे ज्यादातर कॉलेजेस में आप देखते हैं कि एडमिशन ओपन फॉर सेशन राइट से आया लेफ्ट में गया, रेलवे में आप देखते हैं वेलकम इंडियन रेलवे राइट से आया लेफ्ट में गया। तो अगर आपको भी कोई लाइन को राइट से लेफ्ट मूव कराना है तो आपको केवल करना क्या है, बॉडी टैग में जहाँ पे आपको सारी वर्क करने होते हैं, जहाँ पे आप क्या करेंगे, मॉड्यूल लिखेंगे, और मॉड्यूल लिखने के बाद आपने जैसे लिखा वेलकम टू जबलपुर स्मार्ट सिटी, ऐसा आपने जैसे लिखा वेलकम टू जबलपुर स्मार्ट सिटी आपने लिखा, और इसके बाद आपने क्या कर दिया, मॉड्यूल को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जब आप ये लिखेंगे तो ये कहाँ से आएगा, राइट से आएगा, और कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस को नोट करते समय अगर मैं सवाल आपसे यहाँ पे मैं पूछूं कि अगर आपको ये लाइन जो है वेलकम टू जबलपुर स्मार्ट सिटी, ये लाइन आपको किस तरीके से शो होगा, ब्लैक कलर से, ठीक है। तो इस लाइन को अगर मुझे कलरफुल करना है तो हमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, अगर मान लो इस लाइन को मुझे कलरफुल करना है तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, हाँ ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इस लाइन को कलरफुल करना है तो आपके पास दो प्रॉपर्टी, या तो सी एस एस से करेंगे या तो किससे करेंगे, फॉन्ट से, आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो मार्किंग के बाद आप फॉन्ट लगा के इसको कलरफुल करेंगे, या तो सी एस एस से आप क्या करेंगे इसको कलरफुल करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग का जो है ये क्लास है, वेबसाइट डिजाइनिंग मतलब जो वेबसाइट बनती कैसे और किस तरीके से वेबसाइट्स में आपका एलिमेंट जो होना उसकी क्लास है। अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एक नोट पैड में आगे कोडिंग लिखिएगा, ठीक है। नोट पैड में आपको क्या करना है, कोडिंग लिखना, आप एस टी में लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, बॉडी के बाद ये लिखिएगा, उसके बाद फिर बॉडी को बंद करेंगे और फिर आप इसको बंद करेंगे, एस टी एम एल को आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। आपको इस पैटर्न में लिखना है और इस फाइल को जब आप सेव करेंगे तो फाइल को आप सेव करिएगा डेस्कटॉप में, ठीक है। अभी डेस्कटॉप में आप सेव करेंगे, नाम जो आपको रखना रख सकते हैं, जैसा आप अपने नाम से भी सेव कर सकते हैं, हमने जैसे इसका नाम जेबीपी रखा, लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना डॉट करके एस टी एम एल भी रखना है, ये आप ध्यान रखिएगा, मतलब जो भी नाम रखना डॉट एस टी एम एल करके आप उसको डेस्कटॉप में क्या करेंगे, सेव करेंगे, सेव करेंगे तो फाइल डेस्कटॉप में दिख जाएगी, दो बार क्लिक करोगे तो आपको कोडिंग रन होते दिखेगा राइट साइड से लेफ्ट तक की, तो पहले तो आप ये आज ये करके देखना। तो इस कोडिंग को क्या करें, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे।